हमारा सवाल था कि मुरीद का मतलब क्या है, और जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम पीर के मुरीद हो गए, या हम उलमा के मुरीद हो गए, या हम फला बाबा के मुरीद हैं, तो एग्जैक्ट इसका शरीयत में हुक्म क्या है, और क्या ये शिर्क है? जजाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। ये जो मुरीद की इस्तेलाह राइज है, ख़ास तौर से बर्रे सगीर के अंदर, जो ज़मीनी वाक़े और हकीकत है उसको देखते हुए, इसका माना ये है कि कोई आलिमे दीन या कोई भी जिसको लोगों ने बुज़ुर्ग और नेक साले माना हुआ है, आदमी उसका इस कदर मोतकिद हो जाए कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है इंसान या करना चाहिए, उस तरह से अपने उस पीर की इताअत करता है, उसके जी लिए सब कुछ उसका पीर ही होता है। पीर ने कह दिया हलाल तो हलाल, पीर ने कह दिया हराम तो हराम। जी और इसी को बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा है यहूद नसारा के बारे में कि उन्होंने अपने अहबारो रुहबान को जो है अल्लाह के अलावा रब बना लिया है। तो जी ये जो पीर होते हैं, एक तरह से उनके मुरीद उनको अपना रब बना लेते हैं, गरचे वो जाहिर में ये ना कहें कि ये हमारे अल्लाह हैं, लेकिन उनके आमाल इसी तरह के होते हैं कि पीर बाबा ही सब कुछ हैं। और जाहिर है ये जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी की मुतलक इताअत करना ये जायज नहीं है।